अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान आमिर एंड आई एम सीनियर वेब डेवलपर इन ज़ेवन सॉल्यूशन। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 7 साल का है, मगर ज़ेवन सॉल्यूशन में मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं। यहाँ पे 2 साल से मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। ज़ेवन सॉल्यूशन के बारे में अगर बात की जाए तो ज़ेवन सॉल्यूशन सिर्फ एक कंपनी नहीं है जो कि आपकी सिर्फ स्किल्स को यूज़ कर रही हो, आपको स्किल्स से आप अपना प्रॉफिट बना रही हो। ये ऐसा कहने की इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपकी स्किल्स के साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रूमिंग पे भी काम किया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है हर एक एस्पेक्ट में, आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ को निकाला जाता है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग पे, और साथ साथ आपके डेवलपमेंट स्किल्स पे, आपके डेवलपमेंट करियर पे भी। सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, चाहे आपकी डिज़ाइनिंग करियर है या जौन सा भी आपका करियर है, उस पर भी आपको गाइड किया जाता है। हमारे जो CEO हैं सर इरफान मलिक, वो हमें प्रॉपर इस तरीके से गाइडलाइन कहते हैं कि हम हर एक चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें और दूसरों को डिलीवर कर सकें, चाहे वो पर्सनल थिंग्स हों या फिर प्रोफेशनल थिंग। हर मामले में हमें प्रॉपरली गाइड किया जाता है। और इसी सिलसिले में हमने ये एक वीडियो लेक्चर स्टार्ट की है जिसमें हम जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की हैं, वो हम आप लोगों को सिखाएं और उन डिफ़िकल्टीज़ का जो है आपके साथ शेयर करें, ताकि जब आपके पास उस तरह का कोई सिनेरियो है तो आपको पता हो कि उधर किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, उधर से हम किस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी पर्पस के लिए हमने आज एक कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है वेब डेवलपमेंट, और जिसका टाइटल है बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। इसमें हम प्रॉपर पढ़ेंगे कि वेब डेवलपमेंट है क्या, वेब डेवलपमेंट होती किस तरीके से, किस किस टेक्नोलॉजी के साथ हम करेंगे, सारा कुछ इस बारे में देखेंगे। मगर सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इसके लिए आपको अगर कोई कहे कि यार तुम्हारा बैकग्राउंड CS का नहीं है, या तुम्हें पहले CS के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें कोडिंग करनी आनी चाहिए, या तुम पहले कुछ वो पढ़ के आओ या इस तरह ये पढ़ के आओ, तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप लेमैन हैं तो आप भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी CS के साथ नहीं है, आपका कोई और फील्ड से बैकग्राउंड है, तो आप ये कोर्सेज को फ्री होके, यानी माइंडसेट आपका इस तरीके से करके कि आपको लेमैन भी इसको प्रॉपरली कर सकता है। अगर उसका पास ज़ीरो नॉलेज है CS का, अभी तक वेब डेवलपमेंट का ज़ीरो नॉलेज है, तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं होगा। हम इसको इसलिए बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द ज़ीरो स्टार्ट करने लगे हैं, ताकि वो सारे लोग जिनको नॉलेज है थोड़ा बहुत और वो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सारे इस कोर्सेज से अपने आप को कुछ ना कुछ सीख सके, अपने आपकी स्किल्स में इम्प्रूव कर सके, और अपना करियर अगर वो इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो वो भी इजीली बना सके। इंशाल्लाह हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, और उन सारी चीज़ों को इस तरीके से लेके चलेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है सारा, जो हमारे जो भी हम सीखेंगे उनके कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इतने ट्रेन हों कि आप प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकें, अपनी खुद इंडिपेंडेंटली वेबसाइट बना सकें, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप चाहें कि आप अपना करियर इसमें आगे प्रोसीड कर सकें, चाहे एज अ फ्रीलांसर चाहे करना चाहते हो, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, या आप कुछ खुद से अपनी प्रैक्टिस के लिए या कुछ लोगों को सिखाना चाहते हो, आप इंशाल्लाह हम इस तरीके से चलेंगे कि आप इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों को कवर कर सकेंगे, आप वो सारी चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकेंगे। तो आगे चलते हैं, मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताता हूँ कि ये कोर्स है क्या, ये किस तरीके से हम इस पर काम करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे, किस तरीके से करेंगे। हम प्रैक्टिकली भी साथ करेंगे, थ्योरेटिकली भी करेंगे, हम प्रैक्टिकली साथ साथ चीज़ें करते जाएंगे, ताकि हमारे लिए ये क्लियर होगा कि ये जो चीज़ है ये किस तरीके से यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, और इसका पर्पस क्या है यूज़ करने का, ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हमारे टाइटल में भी, कोर्स टाइटल में भी मेंशन है कि HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, ये बेसिकली है तो 4 टेक्नोलॉजीज, मगर हर टेक्नोलॉजी का एक कोई ना कोई पर्पस है वेब डेवलपमेंट में। अब वो पर्पस क्या है हम उसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या पर्पस है। HTML जो है बेसिकली आपके स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कहाँ पे क्या चीज़ आनी है, किधर आपका टेक्स्ट फील्ड आनी है, किधर आपकी इनपुट फील्ड आनी है, या कहाँ पे आपका जो है इमेज आनी है, कहाँ टाइटल आना है, ये सारा कुछ कहाँ से डिफाइन किया जाता है आपके
HTML से। सेकंड स्टेप आ जाता है आपका CSS। CSS क्या होता है कि CSS आपकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, आपके वेबसाइट के कलर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है कि आपने कौन सा कलर देना है, आपने कौन सा स्पेस देनी है, राइट स्पेस देनी है, लेफ्ट स्पेस देनी है, कोई बॉर्डर देना है या कोई आपने उसके कोई स्पेसिफिक पोजीशन सेट करनी है, उस सब के लिए हम क्या करते हैं CSS यूज़ करते हैं, बेसिकली वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए। थर्ड आ जाता है जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप फोर्थ नंबर पे। पहले मैं फोर्थ नंबर वाला बूटस्ट्रैप को कवर करते हैं फिर जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। इसकी मेन वजह ये है कि CSS और बूटस्ट्रैप दोनों मिलते जुलते हैं। बूटस्ट्रैप भी एक समझ लें कि आपको ना डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करता है, मगर इसमें काफ़ी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, काफ़ी फंक्शंस, काफ़ी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो पहले से बने होते हैं और उनको हम बस यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में और उनको उससे जो है कोई ना कोई फंक्शनैलिटी या कोई ना कोई काम कर लेते हैं। हमारे टाइटल में ना एक और चीज़ मेंशन है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब रिस्पॉन्सिव वर्ड सुन के आपने घबराना नहीं कि रिस्पॉन्सिव है क्या चीज़। ये सारा कुछ आपको हम स्टेप बाय स्टेप कोर्स में भी, जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपको पता चलता जाएगा कि क्या चीज़ किस तरीके से यूज़ होती है। अभी सिर्फ हम इंट्रो ले रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी और मोटी मोटी चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको क्लियर हो कि आपने करना क्या और किस तरीके से करना है। तो पहली चीज़ ये है कि जो रिस्पॉन्सिवनेस है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं वो होती क्या हैं। एक मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वो एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग है, लेकिन जैसे ही वो बड़ी स्क्रीन पे जाती है छोटी स्क्रीन पे जाती है वो ख़राब हो जाए तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। लेट्स सपोज एक मैंने पेज बनाया है जिसके राइट पे एक बटन है, लेफ्ट पे एक इमेज है, सेंटर में टेक्स्ट है। जब मैं वो उसको स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, तो बटन, इमेज और जो टेक्स्ट है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो ऐसी जो चीज़ होगी वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं कहलाएगी। तो हमने ऐसी वेबसाइट बनानी है कि उसको चाहे छोटी स्क्रीन पर ओपन किया जाए, मीडियम साइज स्क्रीन पर किया जाए या लार्ज स्क्रीन पर ओपन किया जाए, वो हर स्क्रीन पर अपने डिज़ाइन से ख़राब ना हो, उसका डिज़ाइन डिस्टर्ब ना हो, ये ना हो कि बटन का कलर हमने रेड रखा हुआ है तो रेड कलर का बटन स्मॉल स्क्रीन पे छोटा होगा, टेक्स्ट जो उसका है क्लिक मी लेट्स सपोज टेक्स्ट है उसका वो बटन से ही बाहर जा रहा है। ऐसी जो चीज़ें होंगी वो फिर हमारा लुक एंड फील भी ख़राब करती है और यूज़र की इंटरेक्शन भी उससे ना एक बैड इम्पेक्ट देती है। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए कि वो छोटी स्क्रीन हो चाहे बड़ी स्क्रीन हो, जितनी भी स्क्रीन साइज़ उन सब पे एक्यूरेटली काम करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं वो कौन सा है, बूटस्ट्रैप। फ्रेमवर्क क्या होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। फ्रेमवर्क जैसे मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप में काफ़ी चीज़ें भनी बनाई मिल जाती हैं, तो आप यही समझ लें कि फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट टाइप बना हुआ है जो कि हमें वो चीज़ें बनी बनाई दे देते हैं। हम उसको अपने कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं या अपने प्रोजेक्ट में अपने कोड में यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने से क्या होता है कि जो हमें 4-5 लाइनों का कोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है और वो हमारा बिल्ट इन कोड यानी बना बनाया कोड हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा काम ईजी हो जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। अब आगे चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट क्या है कि जितनी भी आपकी वेबसाइट पे लॉजिक्स बिल्डिंग होती है कि एक पेज पे बटन है, बटन क्लिक करके हम एक कोई पॉपअप ऑन कर रहे हैं या इमेज का प्रीव्यू कर रहे हैं, कोई वीडियो चला रहे हैं, इन सारों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। बटन क्लिक करने पे किस तरह पता चल रहा है कि भाई मैंने इमेज ऑन करनी है और कौन सी इमेज ऑन करनी है, बटन क्लिक करने पे कैसे पता चल रहा है कि यार कि मैंने वीडियो प्ले करनी है और कौन सी वीडियो कहाँ से प्ले करनी है, किस वॉल्यूम पे प्ले करनी है, ये सारा कुछ जो पीछे लॉजिक डेवलप की जाती है, ये जो सारा उसको कह लें कि कमांड्स दी जाती है, उसको बताया जाता है कि ये इस बटन पे तुमने ये करना है, इस बटन पे तुमने ये करना है, ये सारा प्रोसीजर जो होता है, ये सारा जो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, ये सारा जो काम किया जाता है, ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता है, जेएस के थ्रू किया जाता है। अब मैं जरा आपको बता देता हूँ बेसिकली और क्लियर कर देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी वर्सेस वेबसाइट। हम कंपैरिजन करेंगे प्रॉपर ह्यूमन बॉडी में एचटीएमएल क्या चीज़ है, सीएसएस क्या चीज़ है और जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, और दूसरी तरफ कंपेयर हम देखेंगे वो वेबसाइट के साथ जब कंपेयर करेंगे तो वो किस तरह काम करती है, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो कोर्स स्टार्ट करने से पहले क्लियर हो, हमें पता हो कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हमने ये जो चीज़ एचटीएमएल कर रहे हैं तो इसका क्या पर्पस है, सीएसएस कर रहे हैं तो इसका क्या पर्पस है, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो ये किस लिए यूज़ हो रही है, और जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो ये इसका पर्पस क्या है यूज़ करने का वेब का। तो सबसे पहले हम लेते हैं ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी का पहले देखते हैं स्केलेटन, एक जो उसका ढांचा होता है।
ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपकी स्किन होती है, आपके फिर बॉडी शेप बनी होती है, आपका फेस स्टाइल बना होता है, आपके आंखें बनी होती हैं, हर एक की आंखें डिफरेंट होती हैं, नोज शेप होती है, आपकी हाइट, आपकी विड्थ, ये सब कुछ उस पर डिफाइन किया जाता है। और जिस तरह स्किन है, स्किन कलर हर एक का डिफरेंट है, हेयर कलर डिफरेंट है, आई बॉल कलर डिफरेंट है, हर एक चीज़ का जो है ना वो एक दूसरे से फ़र्क आ जाता है। और इसी तरीके से जो हमारे एक्शन हैं, काम वगैरह करना, ये सारी चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे किसके, अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ, और इनका क्या पर्पस है, किस तरीके से करते हैं, ये सब देखते हैं। अब जो स्केलेटन है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सारा कुछ हमारा हमारी स्किन, हमारा फ्लैश, हमारे बॉडी का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो मेन स्ट्रक्चर क्या आ गया हमारा, स्केलेटन आ गया। तो इसी को देखा जाए, जिसमें अगर हम देखेंगे स्केलेटन वेब डेवलपमेंट के फॉर्म में देखा जाए, तो जो हमारा स्केलेटन है वो HTML कोड है। जिस तरह HTML कोड क्या करते हैं, आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर डेवलप करता है, वो बताता है कि भाई ये वेबसाइट का हेड है, ये इसकी बॉडी है, ये इसका फुटर है। इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी में आ जाए, तो हमारा जो स्केलेटन है वो बताता है कि भाई यहाँ तक इसका हेड है, यहाँ से इसके शोल्डर से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है, और ये इसके फुटर वगैरह, ये सारी चीज़ें वो इंडिकेट करता है। तो यही चीज़ें जो है वो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्केलेटन है वो हमारा HTML कोड है, जो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि ये इसका हेडर है, ये इसकी नेवबार है, ये इसकी बॉडी है, इस बॉडी में कुछ कंटेंट होगा, जैसे इमेज हो गई, बटन हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें होंगी, और ये फुटर है जिसपे हम फुटर का डाटा रखेंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, हमारी स्किन वगैरह। जैसे स्किन है डिफरेंट कलर्स में होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, फिर डिफरेंट हमारे बॉडी शेप होती है, हमारे आइज कलर डिफरेंट होता है, आइज साइज डिफरेंट होता है, नोज शेप डिफरेंट होती है, फेस शेप डिफरेंट होता है, इवन के हमारे हेयर कलर्स डिफरेंट होते हैं, हेयर के जो कलर है, किसी का ब्लैक है, ब्राउन है, कि गोल्डन, इवन वाइट वगैरह, ये सारे कलर्स होते हैं। तो इनको हम कंपेयर करेंगे CSS से। अब जैसे कि स्किन कलर डिफरेंट है, इस तरह हर वेबसाइट का कलर डिफरेंट होता है, कोई वाइट होता है, कोई ब्लू होता है, कोई डार्क थीम में होता है, कोई येलो बैकग्राउंड के साथ होता है, ये डिफरेंट कलर जो होते हैं ये कहाँ से अचीव किए जाते हैं, CSS का किए जाते हैं। इसी तरीके से बटन होते हैं, बटन डिफरेंट साइज़ के होते हैं, बटन जो है डिफरेंट हाइट के होते हैं, बटन की शेप्स डिफरेंट होती है, बट कोई बटन ओवल शेप में होता है, कोई स्क्वेयर शेप में होता है, तो कोई जो है रेक्टेंगल शेप में होता है। इसी तरीके से इसको कंपेयर किया जाए कि आपके फेस शेप, फेस डिफरेंट शेप में होते हैं, नोज शेप डिफरेंट होती हैं। तो आप अगर कंपेयर करें वेबसाइट और ह्यूमन बॉडी को, तो ये कह सकते हैं कि जो आपके स्किन, ये जो आपके बॉडी एस्पेक्ट्स हैं, बॉडी शेप है, बॉडी कलर है, हेयर कलर है, ये सारे जो है वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये CSS इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। थर्ड स्टेप देखते हैं कि जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि वॉक, टॉक, ईट, रन, और इस तरह के डिफरेंट स्लीप वगैरह, ये सारे एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये एक्शन जो परफॉर्म करता है, ये इसको कमांड या इसको सिग्नल जो कहा जाता है वो कहाँ से मिलता है, हमारे माइंड से। ये जो माइंड है ये किस तरह काम करता है, ये एक्ट एज अ जावास्क्रिप्ट करता है, अगर वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए, कि वो उसको ये लॉजिक बिल्ड करता है कि भाई मैं हाथ ऊपर करूँगा तो मेरा हाथ कहाँ करेगा, मैं बटन कोई फोर्स प्ले करूँगा किसी बटन पे तो उससे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, मैं कदम उठा के आगे रखूँगा फिर दूसरा कदम उठा के रखूँगा इससे मेरा वॉक का एक्शन परफॉर्म होगा, मैं यही स्पीड में करूँगा तो मेरा रन का एक्शन परफॉर्म होगा। ये सारा जो कमांड देता है हमारी बॉडी को, माइंड देता है। और दूसरी तरफ इसको कंपेयर किया जाए वेबसाइट के साथ, तो जावास्क्रिप्ट जो कमांड देता है बटन क्लिक करने पे और कुछ होवर करने पे या इस तरह कोई भी चीज़ एक्शन परफॉर्म करने पे, तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म होता है वो कहाँ कमांड दी जाती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो अगर हम एक सिंपल कंपैरिजन करें तो हमारा माइंड क्या है, वेबसाइट के अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट है। और प्रॉपर तीनों टेक्नोलॉजीज को देखा जाए ह्यूमन बॉडी के साथ, तो आपका स्केलेटन HTML कोड हो गया, आपका बॉडी स्टाइल, बॉडी कलर, आई कलर, बॉडी शेप वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका CSS कोड हो गया। थर्ड, आपका जो माइंड सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जो कमांड देता है आपके बॉडी पार्ट्स को एक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो आपका जावास्क्रिप्ट कोड हो गया। इसको फर्दर ऑन हम और सिंपल करते हैं एक और एग्जांपल के साथ, वो ये कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक घर की ले लेते हैं।
एक घर बनाते हैं हम, तो घर जब बनाते हैं उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इधर अगर हम उसके साथ कंपेयर किया जाए वेबसाइट के साथ, तो ग्राउंड फ्लोर हमारा होम पेज कह ले, फर्स्ट फ्लोर हमारा सेकंड पेज हो गया, सेकंड फ्लोर हमारा थर्ड पेज हो गया, फोर्थ फ्लोर हमारा फोर्थ पेज हो गया। इस तरह जिस तरह जितने हमारी वेबसाइट में पेजेस होंगे उतने हम कह लें हमारे घर में फ्लोर है। अब जाहिर सी बात है हर एक पेज में डिफरेंट कंटेंट होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं, तो हमारे जो घर के स्ट्रक्चर होते हैं उनमें भी ऑलमोस्ट डिफरेंट ही चीज होता है। फर्स्ट फ्लोर पे गैराज हो गया, यानी ग्राउंड फ्लोर पे गैराज हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे गैराज की जगह टेरेस आ जाता है छोटा सा, और इसी तरीके से गैराज की वजह से समटाइम ग्राउंड फ्लोर पे कोई एक रूम नहीं होता, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम एक्स्ट्रा हो जाता है। और फिर पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है कि भाई ये फ्लोर है, इस पे राइट साइड पे इसने स्क्वायर बाय स्क्वायर का हमारा जो है रूम आएगा, इधर अटैच बाथरूम बनेगा, इधर किचन बनेगा, इधर जो है डाइनिंग हॉल बनेगा, इधर गैराज बनेगा। ये सारा स्ट्रक्चर पहले बनाया जाता है, जो कि जिस पे ईंटें वगैरह लगा के हम कर देते हैं, जिसके बाद सारा कुछ प्रोसीडर चलता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो अगर इसको वेबसाइट से कंपेयर किया जाए, ये जो ईंटें लगाना और ये जो प्लस्तर वगैरह जो हम करते हैं, सीमेंट वगैरह करते हैं, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है जिसपे सिर्फ हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि यार यहाँ पे ये वॉशरूम बन गया, या हमारा जो है इतने स्क्वायर बाय स्क्वायर का रूम बन गया है, ये टीवी लाउंज बन गया, ये किचन बन गया, ये हमारा स्टोर बन गया, ये गैराज बन गया, जो हम दीवारें खड़ी करते हैं, ये समझ लें कि वो दीवारें नहीं खड़ी की गई, वेबसाइट के फॉर्म में देखा जाए तो ये HTML कोड किया गया एक वेबसाइट का, कि यहाँ पे ये बटन होगा, यहाँ पे ये इमेज प्लेयर होगा, इमेज होगी, यहाँ पे वीडियो प्लेयर होगा, और यहाँ पे ये दूसरा कंटेंट होगा जिस पे टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा। जब पहली चीज कि जब हमारा HTML कोड होगा, या ये कह लें कि जब हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया घर का, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, उसमें स्टेप होता है उसको डेकोरेट करना। उसको डेकोरेट करना कि कहाँ पे, अब सिर्फ एक रूम की एग्जांपल जैसे लेते हैं, एक टीवी लॉन्च है कि हमें सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे हम अपने LCD सेट करें, और टीवी लॉन्च की दीवारें किस कलर की हो, अगर एक दीवार सारी दीवारें एक तरह की करनी है कि डिफरेंट कलर्स में करनी है, एक को पे कोई थीम रखा जाए, कहीं सीनरी लगाई जाए, कहीं वास रखे जाए, कोई लैंप्स वगैरह लगाए जाए, लाइट स्पेसिफिक करके लगाई जाए, ये सारे डेकोरेशन की जाती है। तो अगर ये डेकोरेशन को देखा जाए, ये डेकोरेशन क्या हमारी कहलाएगी, हमारा CSS स्टाइल कहलाएगा, हमारा CSS कोड कहलाएगा, कि किस कलर की वॉल करनी है, ये कलर जो होगा वो अगर वेबसाइट पे देखा जाए कि बटन किस कलर का करना है, तो हमारा CSS डिफाइन करेगा कि यार ये इस कलर का बटन होना चाहिए, इसका साइज क्या होना चाहिए, ये जो हम सीनरी लगा रहे हैं वॉल पे इसका साइज क्या होना चाहिए वो बताए, हम उधर से डिफाइन करेंगे, उधर से बताएंगे CSS कोड के थ्रू कि ये साइज होना चाहिए, फिर हम बताएंगे कि यार इसमें ये क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से किया जा सकता है, एक एक चीज़ को हम फर्दर ऑन देखेंगे कि हम अगर लाइट लगा रहे हैं, लाइट किधर हो, उसका स्विच किधर हो, फिर लाइट किस कलर की हो, वाइट हो, येलो हो, रेड हो, फिर हम कोई सोफ़ा रख रहे हैं तो सोफ़े की पोजीशन क्या हो, सोफ़ा किस कलर का होना चाहिए, जो हम वास रख रहे हैं कोई, वो वास किस कॉर्नर पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, जो टेबल रख रहे हैं वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, राउंड टेबल होनी चाहिए, रेक्टेंगल टेबल होनी चाहिए, चेयर्स कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे, वो इन अदर वर्ड्स के हम वेबसाइट को जब डेकोरेट करेंगे तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, CSS के थ्रू करेंगे। फर्दर ऑन जब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह आती है, तो उसमें देख लेते हैं हम कि अब हमने लाइट्स लगा ली, हमने बटन्स लगा लिए, उनके स्विच लगा लिए, हमने सोफ़ा रख ली, हमने हर चीज़ कर ली, LCD लगा ली, LCD का कनेक्शन कर दिया, सारा कुछ कर दिया, मगर बटन प्रेस करने पे LCD ऑन हो रही है, या बटन प्रेस करने पे लाइट ऑन हो रही है, बटन ऑफ करने पे लाइट ऑफ हो रही है, ये जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है ये कैसे हो रहा है। इसकी एग्जांपल देते हैं कि आम तो ये है कि हम घरों में कनेक्शन कर देते हैं, इधर से तार लगाई और उधर से वायरिंग कर दी, प्रॉपर कनेक्शन कर दिया बटन का और लाइट का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और उसने जो है आप लाइट ऑन ऑफ का एक्शन परफॉर्म कर दिया। मगर अगर जावास्क्रिप्ट की वो या वेबसाइट की फॉर्म में देखा जाए तो ये सारे लॉजिक बिल्डिंग है ना, तो ये लॉजिक बिल्डिंग किस तरह के, मैं एक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट एक्शन क्या हो रहा है, जैसे मैंने बटन प्रेस किया एक्शन हो गया लाइट ऑन होगी, मैंने फिर बटन प्रेस किया एक्शन हो लाइट ऑफ होगी,
ये सारा जो एक्शन है मेरे एक्शन के ऊपर जो मेरे किसी भी एक्ट में जो एक्शन हो रहा है हमने इसको डिफाइन करना है, जो इसके पीछे लॉजिक बना रहे हैं वो क्या है, हमारी जावास्क्रिप्ट है। अब जैसे कि लाइट को ऑन करने के लिए जाहिर सी बात है कनेक्शन करना पड़ेगा, वायरिंग के थ्रू करना पड़ेगा। ये जो वायरिंग के थ्रू कनेक्शन है ये एक लॉजिक बनाई गई है, और ये लॉजिक अगर हम वेबसाइट के फॉर्म में देखा जाए तो ये जो वायरिंग है ये वायरिंग जो है हमारी जावास्क्रिप्ट है, जो कि सिंपली लाइट को ऑन ऑफ करने के एक्शन परफॉर्म करा रही है। तो ये जावास्क्रिप्ट का काम है हमारी वेबसाइट में। सीएसएस का क्या काम आ गया हमारा, डेकोरेट करने के लिए वेबसाइट को, और चाहे जो एचटीएमएल है उसका क्या काम आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने में वेबसाइट का, कि ये हमारी वेबसाइट का हेडर है, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है, ये हमारी वेबसाइट की बॉडी है, और ये हमारी वेबसाइट का फुटर है। अच्छा, इसमें अगर आपको अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि यार ये हेडर क्या चीज़ है, ये फुटर क्या चीज़ है, ये बॉडी क्या चीज़ है, फिर दूसरा ये कि यार ये लॉजिक बिल्डिंग किस तरह होगी, ये बटन प्रेस करने से कोई पॉपअप कैसे खुलेगा, या बटन प्रेस करने से लाइट ऑन किस तरह हो रही है, लाइट ऑफ किस तरह हो रही है, या सीएसएस से हम किस तरह स्टाइलिंग करेंगे, क्या कलर प्रोवाइड करेंगे, किस कलर से क्या होगा, तो इस बारे में अपने बिल्कुल भी अभी परेशान नहीं होना। ये इसका पर्पस यही था कि हम जितना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट शुरू करने के लिए वो करें, ताकि जब हम वेब डेवलपमेंट, अभी अगर आपको छोटी मोटी कन्फ्यूजन है ना कि यार ये होगी किस तरीके से, ये करेंगे क्या, ये हो किस तरह सकता है, तो जब हम नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट वीडियोज में आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे उनमें जब चीज़ें करने लगेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार ये इंट्रो में हमने देखा था या हमने सुना था ये इस तरीके से करना था हमने, तो वो ये इस तरीके से हो रहा है। जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे ना तो आपको जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप जब चल रहे होंगे तब हम आप प्रैक्टिकल काम भी कर रहे होंगे, साथ साथ हम हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करके भी देख रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें ईजीली क्लियर होती जाएंगी कि यार इस जो चीज़ हमने पहले पढ़ी थी या हमने सुनी थी उसका पर्पस ये है, उसको यूज़ इस तरीके से किया जाता है, उसको हम इस तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है ना सारों को? अगर किसी को इधर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर कमेंट कर दे, हम उसके की क्यूरीज के अगेंस्ट उसको फिर रिप्लाई वगैरह या वीडियोस के थ्रू जिस तरह भी होगा हम उसको गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो हमने सारा किया है इस लेक्चर में वो यही था कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया अपने कोर्स का, और कोर्स में हम क्या क्या कोर्स मॉड्यूल्स करेंगे, जैसे HTML एक मॉड्यूल हो गया, CSS दूसरा मॉड्यूल हो गया, बूटस्ट्रैप थर्ड मॉड्यूल हो गया, और फोर्थ मॉड्यूल हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट JS। तो हमने पहले इन फिर इसके बारे में देखा है वेबसाइट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वेबसाइट में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करें इनका पर्पस क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी का क्या पर्पस है, कौन सी टेक्नोलॉजी किस लिए यूज़ की जा रही है, और किस हद तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इससे फर्दर आगे जाएंगे, हम पहले देखेंगे एडिटर हमारा कौन सा, हम एडिटर इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर हम HTML मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, उस मॉड्यूल के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें टैग्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप अपने सारे लेक्चर्स को देखते जाएंगे, और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ स्टार्ट करते जाएंगे। तो यहाँ तक दोबारा अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें, हम उसके अगेंस्ट दोबारा उसको गाइड करेंगे, उसके वीडियो के थ्रू या रिप्लाई के थ्रू जो भी होगा हम उसको जिस तरीके से गाइड कर सकते होंगे हम इंशाल्लाह उसके थ्रू गाइड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर ऑन आगे और डिटेल में बात करेंगे, अभी तक लेक्चर यहीं था, तो अल्लाह हाफिज़।